हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये देखिए, मैंने डाली है साड़ी, बहुत पुरानी। एक्चुअली ये साड़ी ना मेरी शादी की है। ब्लाउज़ बस थोड़ा खोलना पड़ा मुझे, ब्लाउज टाइट हो गया था। बाकी साड़ी जो है मैंने एक आध बार पहनी। ये देखिए, कलर बड़ा प्यारा था इसका, तो मैं रखी रखी कैसे दिखाऊँ मैं आपको। एक सेकेंड, ये देखिए इस तरीके से है। पिंक और फिरोजी कलर की ये साड़ी है। पता है क्या, रखे रखे ना साड़ियाँ एक्चुअली मैंने पहननी बिल्कुल छोड़ दी हैं। बिल्कुल शादी वादी में तो मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ अभी। बस ये कि अभी होली पे मैं मम्मी कह रही है एक आध बार पहन लिया करती इस त्यौहारों पे, क्या काम आएंगी ये साड़ियाँ। तो आज जो है साड़ी ये डाल ली, कलर प्यारा था तो इसीलिए मन करा डालने का, तो डाल ली। ये शायद मैंने एक या दो बार मुश्किल से डाली होगी अपनी शादी के बाद। और अभी ना होली सब 12:20 का टाइम हो रहा है। देखिए 12:20 का टाइम हो रहा है और 12 बजे के बाद, मतलब 12:30 एक बजे के आसपास हम होली पूजने के लिए जाते हैं। साथ में साथ वाली आंटियाँ जाती हैं और हम सब जो है ना होली पूजने के लिए जाते हैं। अभी जैसे वो दीदी वो वहीं पे पूजते हैं, फिर दूर हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो वहीं पे पूजती है। बड़े वाली दीदी आती थी हर बार, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो वो नहीं आएंगी। बस वो वहीं पे, मम्मी ने बोल दिया कि वहीं पे पूज लो, एक ही बात है, कहीं पे भी पूजा कर लो। तो अभी जो है ना होली पूजने जाएंगे। मैं दिखाती हूँ हम लोग कैसे पूजते हैं होली हमारे यहाँ पे। और शाम को जो है होली दहन होता है और अभी जो है वैसे पूजा होती है। और बच्चे जो है रेडी हो गए हैं, ये देखिए अनुष्का भी रेडी है, गर्वित भी रेडी है और मम्मी भी रेडी है। मम्मी नया सूट नहीं डाल रही थी। मैंने मम्मी को इतना बोला मम्मी नया सूट डालो, मम्मी कहती नहीं बूढ़े बूढ़े तो ऐसे ही चले जाते। मैं कहा नहीं मम्मी ऐसे नहीं है, मम्मी को भी जबरदस्ती सूट पहनाया मैंने, आज पहन नहीं रही थी। ये देखिए दुपट्टा, मम्मी इसका दुपट्टा मिल गया। अनुष्का इसका दुपट्टा दूसरा है, दुपट्टा दूसरा लेके आओ। एक सेकेंड लेके आ, किचन में रखा है, मेरे को मिल गया। ये देखिए ये वाला सूट है, ये मैंने सिला है मम्मी का, अच्छा लग रहा है ना। और ना इसका दुपट्टा जो है ना, मम्मी कह रही यही वाला पहन लूंगी, मैंने कहा नहीं प्रॉपर पूरा तैयार होके चलना है आपको भी। और दुपट्टा इसका मैंने ढूंढ ही दिया, मम्मी इधर उधर रख के भूल गई थी, तो अभी ढूंढना है। दिखाओ दुपट्टा, दुपट्टा लगा के दिखा कैसा लगेगा। दुपट्टा बहुत प्यारा है सूट का, ये दिखाओ, लगाओ। मम्मी रुक जाओ मैं पहना रही हूँ आपको। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए ये दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा दुपट्टा है, वो सिल्की सा है, मतलब बहुत प्यारा दुपट्टा है। मम्मी पहनो अच्छे से, ये देखिए। तो अब जब है हम जाएंगे होली पूजने के लिए। और क्या खेलोगे तो नहीं ना आज? पता है बच्चे सुबह से पीछे पड़े हुए हैं, मम्मी आज हाँ आज हम खेलेंगे भी होली, आज खेलेंगे भी। मैंने इनको इतनी मुश्किल से रोक के रखा है, मैंने कहा अभी तुम पहले पूज के आएंगे हम होली, उसके बाद थोड़ा बहुत खेल लेना। सुबह सुबह आज ये जल्दी उठ गई थी, 6 बजे उठ गई है होली खेलने के लिए। वैसे उठती नहीं है, 8-9 बजे इनको उठाना पड़ता मुझे ज़बरदस्ती, आज 6 बजे अपने आप उठ गई थी। तो गाइज अभी ना होली पूजने चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ हम लेके क्या क्या जाते हैं होली पूजने के लिए, ये सामान क्या क्या लेके जाते हैं। ये देखिए ये तो जल लेके जाते हैं साथ में, थोड़ा सा इसमें दूध डालते हैं। और ये जो है ना आटा, गुड़ होता है, और ये प्रसाद होता है, हल्दी, और ये धागा, इसको क्या बोलते हैं, सूत, सूत बोलते हैं, सूत, इसको ये लेके जाते हैं होली को, वो मतलब पूजा करने के लिए। ये गेहूं के दाने होते हैं, पैसे, प्रसाद, मतलब ये सारा कुछ चीज़ें। ये ढाल बुरकले जो हैं ये आजकल तो रेडीमेड मिलने लगे हैं, गाँव में तो खुद बनाते थे और ये आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है। ये गेहूँ की बाल है, ये देखिए ये सब चीज़ें लेके जाएंगे। पता है क्या, यहाँ पर ना जैसे वैसे तो ये डेली है, डेली में इतना कोई होली तो देखो पूजते हैं लेकिन साथ में कोई नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ ना सब गाँव से ही, आसपास जो कॉलोनी में है ना तो सारे आसपास मतलब गाँव से ही है, तो उनको थोड़ा रीति रिवाजों का ज़्यादा पता है, तो सब ना इकट्ठे साथ में ही जाते हैं होली पूजने के लिए। जैसे 2-3 घर हैं हमारे जो, तो अभी वो साथ में जाएंगे, अभी वो तैयार होंगे, आंटी फिर बुलाएंगी, फिर हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है साथ में तैयार। वैसे तो देखो घर में ही रहना है, होली पूज के आना है और बस। फिर भी मैंने साड़ी डाली, मेरे का त्यौहार है तो साड़ी आज डालनी बनती है। तो गाइज आगे की वीडियो में फिर थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ, अभी करती हूँ वीडियो ऑफ। हम जब होली पूजन जाएंगे तब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी अपनी। तो गाइज़ अभी दोपहर का 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं होली पूजने के लिए। एक्चुअली बस यहीं पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए गर्वित को देख लीजिए एक बार, और
और ये सभी ना हमारे आस पड़ोस की मतलब ये आंटी और आंटी की बहुएं हैं। यहाँ पे बिल्कुल साथ में जो घर है वो नायरा नव्या दिखाती हूँ मैं, अनुष्का की फ्रेंड, अमनी की फ्रेंड, वो उनकी मम्मी है। और सामने उधर में जो है वो आंटी आ रही है उनकी बहुएं। हम जो है ना तीन घर जाते हैं साथ में होली पूजने के लिए। सब इकट्ठे होके जाते हैं और यहाँ पे ना अभी हम फोटो क्लिक करा रहे हैं अनुष्का से, और वीडियो भी ना अनुष्का ही बना रही है। मतलब साथ में इकट्ठे होके जाते हैं ना, तो ये है कि तीज त्यौहार का टाइम वो होता है जब साथ में आस पड़ोस वाले सब इकट्ठे होते हैं। वैसे तो हम डेली रात को घूमते भी हैं इकट्ठे, जो वो दीदी है ना पड़ोस वाली, वो सारे ना हम रात को खाना वाना खाने के बाद वैसे तो घूमते हैं, डेली मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन स्पेशली जैसे तीज त्यौहार पर त्यार व्यार होके जाना वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस ये सामने ही अभी जो है होली पूजन जो है सामने ही होगा, बिल्कुल ना थोड़ी सी दूरी पे ही है जो होली बना रखी है। अभी दिन में तो ना गाइस जैसे पूजा होती है, जल चढ़ा दिया और फिर जो भी हम प्रसाद वगैरह लेके आए हैं वो सब चढ़ा देंगे, लेकिन दिया जो है ना अभी नहीं जलाते, दिया जो है अभी ठंडा ही रख के जाते हैं, लेकिन रात को जो है ना फिर अपने आप जल जाता है दिया, जब यहाँ पे होली दहन करते हैं ना तब जल जाता है दिया, तभी जला देते हैं। अभी यहाँ पर इस तरीके से पूजा करते हैं। ये आटे की ना सात डेहरिया बनाते हैं और बाल चढ़ाते हैं, मतलब बाल जो गेहूं की बाल होती है ना वो चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, तिलक वगैरह करते हैं। इस तरीके से जो है होली की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ पे किसी ने दिया भी जला दिया है, हम तो नहीं जलाते हैं। मतलब ये है कि हमने तो शुरू से यही सुना है कि शाम के टाइम ही दिया जलता है, इस टाइम नहीं जलाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने जला दिया है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है। बाकी होली दहन तो शाम को ही होता है, तो दिया भी शाम को ही लगता है हमारे यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे किसी ने जला दिया है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा, बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में पूजा के लिए। और गाइज ये हमने स्टार्ट कर दी है परिक्रमा लगाना। परिक्रमा लगानी बहुत ज़रूरी होती है होली पूजन के बाद, उसी से जो है पूजा पूरी मानी जाती है। अभी है ना सात चक्कर काटेंगे और फिर उसके बाद जो है हमारी होली पूजन की जो क्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और गर्वित देखिए साथ साथ चल रहा है पीछे पीछे, बिल्कुल ना उसने भी ना सात चक्कर पूरे काटे हैं, गर्वित ने भी ना पीछे पीछे चलता रहा। और अब गाइज हम आशीर्वाद ले रहे हैं अपने बड़ों का, ये पूजा मतलब परिक्रमा करने के बाद ना फिर पैर छूते हैं सब बड़ों के, तो अब आशीर्वाद ले रहे हैं सब। Thank you.
तो गाइस हम आ गए हैं होली पूज के अभी, और इतनी ज्यादा गर्मी हो गई ना इस बार, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये इन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, इधर आओ देखो, अब ये रेडी हो गई है होली खेलने के लिए। अब इसको कलरफुल होना है, पानी में भीगना है ना, बीमार होना है ना। अभी अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, अब मतलब आंगन में ही खेलेंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। ये दोनों रेडी हो गई है होली खेलने के लिए, कल खेलते हैं, आज तो सिर्फ पूजा करने वाली होती है, कल खेलने वाली होती है। गर्वित कहाँ है? ये देखो माला पहन के अभी भी घूम रहा है, ये देखो। अरे गर्वित की चिज्जी, गर्वित की चिज्जी, गर्वित की चिज्जी। मम्मा को खिला दो। आ नहीं, मम्मा को तो फास्ट है, मम्मा को तो फास्ट है। पाई को दो, एक मम्मा को पिची को दो, पिची को दो बेबी। ठीक है क्या? नहीं नहीं, अच्छा जाओ आप भी खेल लो, आप भी खेलो, दीदी के पास खेल लो। नहीं नहीं, फोन नहीं मिलेगा, ये मांग रहे फोन। और ये देखिए मेरे मिस्टर जी लग गए हैं काम पे, जो भी ड्यूटी शुरू। हाँ हाँ, क्या मुझसे रोना स्टार्ट कर दिया आज। इनको तो होली पे भी, त्योहारों पे भी छुट्टी नहीं मिलती है। दूदू, अब उसको दूदू पीना है। तो गाइस अभी गर्वित को थोड़ा बहुत कुछ खिलाती पिलाती हूँ, और उसके बाद फिर अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और गाइस अब शाम का टाइम हो गया है, और मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, और कपड़े कर लिया मैंने चेंज। साड़ी में बहुत परेशान हो गई थी, अब मुझे सूट डालना था, तो मैंने सूट डाल लिया है अपना, क्योंकि बिल्कुल ना आदत ही छूट गई है साड़ी पहनने की। और एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए चढ़ा दी है, और एक तरफ मैं बना रही हूँ शाही पनीर, क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज के सब्जी बनेगी हमारी, तो बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत कम टाइम लगता है। थोड़ा सा मैंने जो है रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया था इसमें, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लौंग और तेज पत्ता और मोटी इलायची डाल ली है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ना मसाले, मसाले मैं इकट्ठे कर लेती हूँ जो भी मुझे डालना है इसमें। हल्दी, नमक, मिर्च लिया है मैंने अभी। ये जो ऑयल में डाल के हम भूनते हैं ना, तो कलर बहुत प्यारा आता है सब्जी का, मतलब बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल देखिए रेडिश कलर आ गया है। और ये मैंने अदरक और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं डाला है, कोई मसाला ऐड नहीं करा अभी तक, सिर्फ नमक में हल्दी डाली। और ऊपर से मैं इसमें एक चम्मच जो है ये डाल दूंगी सूखा धनिया, और दो चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी। बस यही आज मैंने सब्जी में डालना है, और इससे भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए जब ये जो तेल छोड़ देगा ना, फिर उसके बाद मैं जो है इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और पानी जो है अच्छे से बॉयल भी हो चुका है। अब डाल दिया मैंने इसमें पनीर, और अब मैं कर दूंगी गाइस गैस ऑफ, क्योंकि ना पनीर डालने के बाद फिर नहीं खदकाते, नहीं तो फिर ये पनीर ना हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है मतलब। और अब मैं डाल दूंगी ऊपर से फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है जो शाही पनीर होता है ना। इसमें हल्की सी मैंने चीनी भी ऐड करी थी बीच में, वो मिस हो गई, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस, थोड़ा सा ना, ये देसी टमाटर थे तो इसलिए खट्टापन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें डाला चीनी थोड़ी सी। पनीर बन गया है शाही पनीर, और मैंने इसमें डाल दिया बहुत सारी क्रीम, जिसकी वजह से ना थोड़ा कलर उसका चेंज हो गया है, मतलब रिच फ्लेवर आ जाता है क्रीम डालने से, और क्रीम अच्छी भी लगती है, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रही, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला ना, इसलिए क्रीम से ना जो टेस्ट है बहुत अच्छा आने वाला है। क्रीम थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आपको थोड़ा कलर डार्क चाहिए तो आप क्रीम थोड़ी कम भी डाल सकते हो। और साथ ही में गाइस खीर जो है मेरी बन रही है, बनने लग रही है, देखिए खीर पक रही है, इसमें क्लियर नहीं आ रही क्योंकि फ्रंट कैमरा है ना। एक बार मैं खीर जो है चला देती हूँ, और बस अब मुझे आटा गूंथना है और रायता बनाना है, और ये बना के रख दूंगी सारा कुछ, और फिर उसके बाद तो बस खाना, मतलब पूरियां बनानी ही रह जाएंगी, वो मैं होली दहन के बाद बनाऊंगी। और अभी जो है, वैसे अभी टाइम क्या हुआ है मैंने देखा नहीं है, एक सेकंड टाइम देखते हैं क्या हो गया है। अभी मेरा आटा गूंथना रह रहा है, आटा गूंथूंगी और रायता बनाऊंगी, बाकी चटनियाँ वगैरह तो बना दी मैंने, चटनी हरी चटनी सारे पूरी वूरी के साथ में, हरी चटनी भी मतलब अच्छी लगती है, तो हरी चटनी भी बनाई है मैंने धनिया की। और अभी 6:15 हो रहे हैं, तो अभी टाइम है, मतलब रात के खाने में तो अभी काफ़ी टाइम है, बस ये तैयार हो गया है खाना, तो अभी एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और फिर ना अभी मैं अपनी वीडियो ना शाम को कंटिन्यू करूँगी, जब होली का दहन होगा ना तब वीडियो कंटिन्यू करूँगी।
तो गाइज अभी वीडियो ऑफ करती हूँ, शाम के टाइम कंटिन्यू करती हूँ। और गाइज ये देखिए, ये रात का टाइम है अभी, साढ़े आठ का टाइम हो रहा होगा शायद से, पता नहीं, 8:15 या 8:30। ये ना परिक्रमा कर रहे हैं, जो लड़के करते हैं यहाँ पर परिक्रमा होली की, और लड़के ही जो है फिर होली दहन करते हैं, तो इसीलिए ये पूजा करके और फिर यहाँ पे अब होली दहन करेंगे। और ये साथ में ना पड़ोस में दीदी रहती हैं, वो बता के करा रही हैं इनसे। और गाइज यहाँ पे ना होली दहन जब होती है, तो यहाँ पे वो जो गेहूं की बाल होती है ना, उसको भूनते हैं और उसी का जो है ना प्रसाद फिर आपस में बांटते हैं सब। तो होली के वो जो बाल है ना, वो भी भूनेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम होली की ना वो जो ये गेहूं के जो बाल होते हैं ना, वो भूनने की कोशिश कर रहे हैं, पर ना जो आग है ना बड़ी तेज है, मतलब ना बहुत ज़्यादा हीट कर रही है यहाँ पे, और फटाफट से ना वो भून लेते हैं। फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाएगा आसपास, तो वो बाल का ना प्रसाद, फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं सब, वही प्रसाद बटता है, तो वो इस टाइम भून रहे हैं। और आई होप गाइज आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, खुश रहें, और आपके आने वाले सभी त्यौहार बहुत अच्छे रहें, और पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे गाइज। तो इसी के साथ, होलिका दहन के साथ, मैं अपनी वीडियो की एंडिंग आज यहीं पे कर लेती हूँ, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय।